हर यूट्यूबर का दोस्तों ये जो होता है यूट्यूब प्ले बटन भाई सपना होता है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल, फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइस पिछले वीडियो में आपने देखा था दोस्तों, हम लोग गोकुल आए थे और गोकुल में पूरा दोस्तों हम लोग मंदिर में दर्शन किए। फिर उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ देख सकते हो, ये है यहाँ पर यमुना नदी। इस नदी में दोस्तों हम लोगों ने मस्त बोटिंग का भी मज़ा लिया, पूरा अल्टीमेट लेवल का दोस्तों मज़ा आया। वो तो वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं गोकुल से और चलने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि रहने वाला है मथुरा, जहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बस दोस्तों बने रहेगा आज के इस ब्लॉग में, पूरा आज के इस ब्लॉग में मस्त मजा आने वाला है आपको। तो गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं गोकुल से मथुरा, और फिलहाल अभी हम लोग चलने वाले हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल, जहां पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ था, उसी जगह पर फिलहाल अभी हम लोग चलने वाले हैं। बिल्कुल इस तरफ से जो रास्ता है वो है, बहुत सारे रास्ता है जाने के लिए, लेकिन हम लोग इस वाले रूट से आए हुए हैं और चलने वाले हैं पैदल ही। आप यहाँ से जा सकते हैं, ये गेट नंबर 3 है दोस्तों। चलिए चलते हैं यहाँ से। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ में भी बहुत सारे दुकानें हैं दोस्तों, इस तरफ में है ये कपड़ा वपड़ा बेचा रहा है कृष्ण भगवान जी के लिए। देख सकते हो बहुत सारा इस तरफ में भाई कपड़े वपड़े बिक रहे हैं, इस तरफ में कपड़े का दुकानें हैं बहुत सारे। जय श्री कृष्ण। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, बिल्कुल आप सामने में आप देख सकते हो श्री गोविंद द्वार गेट नंबर 3 श्री कृष्ण जन्मभूमि। वाओ कितना भव्य भाई यहाँ पर गेट ये बनाया गया है। यहीं से दोस्तों आप जो है अंदर जा सकते हो और भगवान जी का दर्शन कर पाओगे, लेकिन यहाँ से दोस्तों आप मोबाइल वगैरह और कुछ भी अंदर लेकर नहीं जा पाओगे। यहाँ पर आपको दोस्तों जो है आपको जमा कर देना पड़ेगा, इधर में ही सामान घर लॉक रूम बनाया गया है, मोबाइल अंदर मोबाइल लेकर जाना अंदर अलाउ नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर ही सब कुछ जमा करना पड़ता है, बैग्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर। और देख सकते हो उधर में कंट्रोल रूम भी है इस तरफ में। चलिए हम लोग भी दोस्तों अपना मोबाइल वगैरह जो है जमा वगैरह कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। सो गाइस फाइनली यहाँ पर कृष्ण भगवान का दर्शन हो गया। सो गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं वृंदावन, और ये आप देख सकते हो हम लोग वृंदावन के सड़कों पर घूम रहे हैं, और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस गौरी गोपाल आश्रम अनुद्राचार्य जी के पास। कथा स्थल बना हुआ है दोस्तों, पूरा एकदम रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और देखो धूप भी निकला हुआ है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो श्री गौरी गोपाल आश्रम, ये पुराने वाला गौरी गोपाल आश्रम है और ये नया वाला दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है, और अभी ये अंदर कंस्ट्रक्शन में ही है। और देखिए बेसमेंट में यहाँ पर दोस्तों जो है कथा अभी अनुद्राचार्य द्वारा यहाँ पर चल भी रहा है, और बिल्कुल उस तरफ से आप देख सकते हो गौरी गोपाल आश्रम बड़ा वाला बिल्डिंग आप देख रहे हो। ये देखो भाई फिलहाल अभी हम आ चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम के ऊपर, जहाँ पर अनुद्राचार्य जी यहाँ पर बैठते हैं, आप देखो तो ये उनका आश्रय है। और ये देखो भाई इतने सारे यूट्यूब प्ले बटन, ओ भाई साहब इतने सारे यूट्यूब प्ले बटन, ये देख लो गोल्ड यूट्यूब प्ले बटन, सिल्वर यूट्यूब प्ले बटन, ये देखो डायमंड यहाँ पर यूट्यूब प्ले बटन, जो कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होने पर भाई ये डायमंड बटन मिलता है। और इस तरफ में ये तो है 1 मिलियन पर और ये 1 लाख पर। तो अनुद्राचार्य जी के दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे, इन
तो अनुष्का जी का दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे, इसीलिए उनका बहुत सारा यहाँ पर प्ले बटन दोस्तों लगाए गए हैं भाई। हर यूट्यूबर का दोस्तों ये जो होता है यूट्यूब प्ले बटन भाई सपना होता है। मेरा भी दोस्तों सपना जरूर एक दिन पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। पहले अभी हम लोग आ चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम के भंडारा रसोई में, तरह से आपको यहाँ पर लाइन में लग कर दोस्तों ये प्लेट देना रहता है। और यहाँ पर दोस्तों बफेट सिस्टम वाला यहाँ पर सिस्टम है। चलिए हम लोग भी यहाँ का जो प्रसाद है दोस्तों वो ग्रहण करते हैं। राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो गाइस देखा आज के इस ब्लॉग में भाई बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। क्या लगे हम लोग दोस्तों प्रेम मंदिर के पास आ चुके हैं, वो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को हम यही प्रिंट करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग गाइस, बाय।